रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें, जैसा डैश वैसी प्रजा। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब, जैसा डैश वैसी प्रजा। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने, ए सम्राट, बी राजकुमार, सी रानी या डी राजा। सम्राट, राजकुमार, रानी, राजा। समय हो गया समाप्त, देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी राजा। जैसा राजा वैसी प्रजा। डी में देखते हैं कि इनके लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रहे उनके नाम, सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? राहुल हरिलाल राठौड़ जी का, 1.19 सेकंड्स। ऑलराइट, तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि राहुल जी सबसे प्रथम स्थान पर आ गए हैं। अब आएगा दूसरा प्रश्न, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से अंग का नाम 1980 की फिल्म कर्ज के इस गीत को पूरा करता है, दर्द दिल दर्द डैश। विच ऑर्गन्स नेम कंप्लीट्स दिस सॉन्ग फ्रॉम द 1980 मूवी कर्ज, दर्द दिल दर्द डैश। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने रहे, ए फेफड़ा, बी जबान, सी जिगर या डी पेट। द टाइम इज अप, देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी जिगर, दर्द दिल दर्द जिगर। सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका रहा? विभू खंडेलवाल जी का, 0.96 सेकंड। ऑलराइट, ओके, लीडर बोर्ड देखते हैं, राहुल हरिलाल जी प्रथम स्थान पर थे और स्नेहा चौहान पहुंच गई हैं राइट ऑन द टॉप। ओके, तैयार हो जाइए, तीसरा और आखिरी प्रश्न आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की राजधानी के नाम के अंत में पुर है? विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज अ कैपिटल एंडिंग इन पुर। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी हरियाणा, डी असम या असम। समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? डी असम, कैपिटल है उसका दिसपुर। बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने असम कहा है। डी का उत्तर दिया है, ओ, दो को छोड़ करके सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय डॉक्टर तन्वी खन्ना, 1.13 सेकंड्स। ऑलराइट, लीडर बोर्ड पे स्नेहा चौहान प्रथम स्थान पर थी। तो देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। डॉक्टर तन्वी खन्ना जीत गई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आइए इधर। क्या कहें आपको, डॉक्टर साहिबा कहें या तन्वी कहें या क्या कहें? सर सिर्फ तन्वी बुलाइए। ठीक है, आपको डॉक्टर साहिबा कहेंगे। बिग हैंड फॉर डॉक्टर तन्वी खन्ना। तो देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं, डॉक्टर तन्वी खन्ना। ये एक डेंटिस्ट हैं और ये पंजाब पटियाला से आई हैं। और बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर साहिबा। अभी जैसे हम बात कर रहे थे आपके बारे में, तो कब शुरू किया आपने ये डेंटिस्ट्री और क्या आपको लगा कि आपको डेंटिस्ट्री ही करना चाहिए? सर एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो नीट का एग्ज़ाम MBBS के लिए दिया था, बट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर BDS। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में अपने ही होम टाउन में सीट मिल रही थी एंड इट्स अ वेरी वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। और मुझे वैसे भी डेंटिस्ट्री में इंटरेस्ट था और जैसे जैसे काम करते गए वैसे वैसे इंटरेस्ट और बढ़ता रहा। और जब पेशेंट्स को देखा कि पेशेंट्स जो हैं आपके पास आते हैं और जब आप उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं तो कितना खुश होते हैं। बिसाइड्स किसी को एक अच्छी सी स्माइल देना और उसे खुश करना, उससे ज़्यादा बेटर मुझे नहीं लगता एक डॉक्टर काम कर सकता है। तो इसलिए मैंने BDS चूज़ की। बड़ा मुश्किल काम होता है।
अब बहुत से लोग जो है उस कुर्सी पे जाने के लिए इनकार करते हैं सर, कुर्सी जो आपकी डेंटिस्ट्री की कुर्सी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत और उसमें जो मशीन चलती है ना पतले वाली भुरन करके। नहीं नहीं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? और जब वो दांत के अंदर घुसती है ना मैडम, तो बता नहीं सकता हूँ मैं, बेहोश हो जाते हैं बहुत से लोग। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? सर बेहोश तो कोई नहीं हुआ, बट एक बार मेरे पास एक बच्चा आया था छोटा सा ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो जैसे मैंने उसके मुंह में, उसको एयर रोटर बोलते हैं, जैसे मैंने उसके मुंह में एयर रोटर डाला और निकाला ना, तो मैंने जैसे निकाला उसके मुंह में से, वो इतना डरा हुआ था, मेरी उंगली उसके मुंह में थी, उसने तब भी मुंह बंद कर दिया, दंदी काट ली मेरी उंगली इतनी बुरी तरह से, फिर उसको पैसिफाई किया, बिठाया। बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि आप चिल्लाना चाहते हैं और मुंह चलाना चाहते हैं, लेकिन आपको बोला जाता है मुंह मत चलाना वरना तुम्हारी जबान कट जाएगी। सर यस, है कि नहीं? जी जी जी। हाँ ओके। और डॉक्टर साहिबा, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? सर मेरा भाई है। नमस्कार सर। प्रणाम करता हूँ भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, तालियां बजाने के लिए। निखिल नाम है इनका, निखिल। ऑलराइट ओके। तो डॉक्टर साहिबा, अब आप स्पॉटलाइट में हैं, चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। खेल में इनकी मदद करने के लिए हमारे पास तीन लाइफलाइन रखी हुई, पहली है ऑडियंस कॉल, दूसरी ऑप्शन है 50-50, और तीसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहिबा, खेल की शुरुआत करते हैं, प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और तन्वी जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। किस तरह का जीव ऐसी संरचना बनाता है? What kind of creature builds such a structure? तस्वीर देखिए। देख लिया जी। ऑप्शंस को देखिए, ए हनी बी, बी टर्माइट, सी स्पाइडर, डी लिजर्ड, मधुमक्खी, दीमक, मकड़ी या छिपकली। सर इट्स अ स्पाइडर्स वेब। ओके, तो काइंडली प्लीज लॉक ऑप्शन सी, स्पाइडर। सी पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट, आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किसमें आपको आर्च सपोर्ट मिल सकता है? विच ऑफ दीज कैन कम विथ एन आर्च सपोर्ट। ए ग्लव्स, बी शूज, सी ईयरफोन्स, और इज इट डी अ क्रिकेट बॉल। हाथ दस्ताने, जूते, ईयरफोन, क्रिकेट की गेंद। आर्च सपोर्ट सर, आई विल टेक अ लाइफलाइन। शांत हो जाइए, अरे बड़ी जल्दी लाइफलाइन मांग रही हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? सर ऑडियंस फोन। ऑडियंस फोन लेना चाह रही हैं। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी, और आपका समय शुरू होता है अब। बी शूज को मिले हैं सबसे ज्यादा प्रतिशत, 52%, 52, क्या कीजिएगा? सर आई विल गो विथ बी। बी के साथ जाएंगे आप? प्लीज लॉक ऑप्शन बी शूज। क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन बी शूज। बी पे ताला लगा जाए, जनता बिल्कुल सही है। वेल डन, थैंक यू। ओके, दूसरे ही प्रश्न पर लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं डॉक्टर साहिबा। आ रहा है तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए है इसका मूल्य, और वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये एक और इमेज प्रश्न आ गया है। ओके, इस छवि में दिखाए गए स्मारक के बारे में इनमें से क्या सही है? Which of these is true about the monument in this image? Can we see the image, please? Okay. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए इट इज नेम्ड आफ्टर अ किंग, बी इट इज लोकेटेड इन दिल्ली, सी इट इज 1,000 years old, या इज इट डी इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ क्वीन। इसका नाम एक राजा के नाम पर है, ये दिल्ली में स्थित है, ये 1,000 वर्ष पुराना है, या इसे एक रानी की याद में बनाया गया था? सर प्लीज प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इट वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ क्वीन। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी,
बिल्कुल सही जवाब, बहुत आसान सा प्रश्न था और उत्तर भी आपने कर दिया। ताजमहल को मुमताज महल की याद में शाहजहां ने 17वीं सदी में बनवाया गया था, 17th सेंचुरी में बनवाया था। ऑलराइट देवी संजो, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनके लिए। आगे चलते हैं तन्वी जी, चौथा प्रश्न आएगा, 5,000 रुपए इसका मूल है। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, BTS बैंड जिसके सदस्यों में से 3 जिन, सुगा और जे होप हैं, किस एशियाई देश से हैं? द बैंड BTS हैविंग जिन, सुगा एंड जे होप एज 3 ऑफ इट्स मेंबर्स इज फ्रॉम विच एशियन कंट्री? ऑप्शन सुनिए, ए साउथ कोरिया, बी ईरान, सी श्रीलंका, डी मंगोलिया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। ऑप्शन डालने से पहले ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, बता दिया आपने कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मेरी मुस्कान बहुत सुंदर है। ए बेथाना लगा जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। BTS का फुल फॉर्म है बैंगटन सोनियोंदैन। हमें सर के-पॉप बहुत पसंद है। जी हमें के-पॉप म्यूजिक बहुत पसंद है। अच्छा, हमको ये बताना पड़ेगा आपको ये के-पॉप होता क्या है। सर के-पॉप का मतलब होता है कोरियन पॉप म्यूजिक। बहुत सारी जानकारी मिल रही है हमको आज। क्या बताएं आपको। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, पांचवा प्रश्न आ रहा है, यह है खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए के लिए। पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये देखने के लिए कि वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं, किनको भगवान कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा था जब उनको मुंह खोलने के लिए कहा गया? Who, upon asking Lord Krishna to open his mouth to see if he was lying, saw the entire universe within him? Options A, Vasudev, B, Balaram, C, Yashoda, D, Devaki. Sir, Vasudev, Balaram, Yashoda, Devaki. सर ये उनके मदर थे जिन्होंने कृष्ण जी को पाला था। प्लीज लॉक ऑप्शन सी यशोदा। सी पे थाला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है। यशोदा माँ को किसी ने जाकर के बताया कि भगवान कृष्ण जो वो मिट्टी खा रहे हैं और उन्होंने ये देखने के लिए भगवान कृष्ण को अपना मुख खोलने के लिए कहा और जब उन्होंने मुख खोला उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ये है कथा इसके पीछे। ऑलराइट तन्वी जी, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है, 10,000 पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। यहाँ तक तो आपको मिल रहे थे जी। एक चीज थी, एक बात बोलनी थी। हाँ जी बोलिए। सर आपका बर्थडे था ना कल, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके लिए गिफ्ट लाए। ले आए प्लीज प्लीज। ओके थैंक यू सो मच मैम। सर ये अभी सिर्फ दिखाने के लिए है, ठीक है जी, लेकिन आपको ये अर्न करना पड़ेगा। अर्न मतलब? कमाना पड़ेगा। हमें कमाना पड़ेगा? हाँ जी, क्योंकि क्या है ना देवी जी, ऐसा है कि आपका इम्तिहान लेने हम इधर बैठे हैं। आप नहीं, क्या करना होगा इसके लिए? देखिए आपको इम्तिहान देना पड़ेगा पहले, प्लीज आप बैठिए। तो पहले आप बैठिए ना। नहीं नहीं सर, पहले नहीं, पहले आप। ठीक है, नहीं पहले आप बैठते हैं। नहीं पहले लेडीज फर्स्ट। बोलिए। देखिए सर, बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए आपको थोड़ी सी गेम्स खेलनी पड़ेंगे हमारे साथ। खेल खेलना पड़ेगा क्यों? बिना गेम्स के बर्थडे बोरिंग हो जाता है ना, जैसे मेरी लाइफ बोरिंग है, हमें शो को बोरिंग थोड़ा ना करना है और आपके बर्थडे को थोड़ा ना बोरिंग करना है। अच्छा चलिए खेल लेते हैं। तो गेम बहुत इजी है, उसका नाम है नेवर हैव आई एवर। Never have I ever. Ever. पर रूल्स मैं आपके स्टाइल में समझाऊंगी। देखिए, आदर आदाब अभिनंदन अवार्ड देवी और सज्जनों, ये है श्री अमिताभ बच्चन और मैं हूँ डॉक्टर तन्वी खन्ना और आज हम इनके साथ खेलने जा रहे हैं एक बहुत ही जानदार, शानदार और मजेदार गेम जिसका नाम है Never have I ever. ठीक है मैडम, हमारी नौकरी खतरे में है, बता दूंगा। इस तरह से आप बोलिएगा। ओके। गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं सर। सर आपके सामने पानी का गिलास पड़ा है। हाँ जी बिल्कुल पड़ा हुआ है। है ना जी?
मैं आपको 5-6 सिचुएशंस डालूंगी या एक्शंस डालूंगी और बोलूंगी कि ऐसा किया है या नहीं किया है। तो अगर तो आपने वो चीज कभी नहीं की हो तो आपको पानी नहीं पीना, लेकिन अगर आपने वो चीज कभी की हो तो फिर आपको पानी पीना पड़ेगा। और सर ऑनेस्टली आंसर देना, हाँ क्योंकि ना सबको पता होता है सब कुछ। बहुत ही ऑनेस्ट आदमी हो, मैं बता दूं आपको। ठीक है सर, तो हमारा पहला सवाल ये रहा, नेवर हैव आई एवर बीन द एलिबाय फॉर अ लाइंग फ्रेंड। मैंने कभी भी एक झूठे दोस्त का साथ नहीं दिया उसके झूठ में, मतलब झूठ बोल दिया किसी दोस्त ने ऐसे कुछ भी और मैंने भी साथ दे दिया कि हाँ, मैंने साथ दे दिया पर पानी। सर आपने कौन से झूठ में साथ दिया, आपको थोड़ी ना बताएंगे। बताइए ना थोड़ा सा। नेक्स्ट। ठीक है, नेवर हैव आई एवर क्रैश्ड अ वेडिंग। मैं कभी किसी शादी में अनइनवाइटेड नहीं गया या फिर नहीं घुसा। नहीं मैं गया हूँ। गए हो ना, पानी पानी। अभी ये तो बताना पड़ेगा। मैं क्या बताएं हमारा। देखिए अभी ये तो बताना पड़ेगा किसकी शादी में गए थे। ऐसे ही चले गए, किसी की भी शादी में चले गए। देवी जी ऐसा है, यहाँ जितने भी पुरुष हैं जिन्होंने वेडिंग क्रैश किया होगा उनको पता था क्या कि किसकी शादी हो रही है। बोलो भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं। मैडम क्या था कि उस जमाने में किया? कब हुआ? नहीं नहीं उस जमाने में खाने पीने के लिए पैसे होते नहीं थे, तो ऐसे ही हम लोग जैसे बारात निकली है ना, बारात जा रही अंदर, तो उस साथ में खड़े हो जाते थे, तो लोग समझते थे हम बाराती हैं। तो कोई पूछता भी था ना तो कह रहा वो सामने जा रहे हैं अंदर, घुस गए अंदर खा पी करके बाहर। तेरा पकड़े नहीं गए कभी? नहीं अभी तक तो नहीं पकड़े गए। अगला सवाल, नेवर हैव आई एवर री गिफ्टेड अ गिफ्ट। मैंने आज तक कभी किसी दूसरे से मिला हुआ गिफ्ट किसी और को नहीं दिया। जैसे ही आप ये देंगे हम दे देंगे। Yes! मतलब आप अपने पास नहीं रखने वाले? नहीं नहीं नहीं, आप केवल प्रश्नों पर आप अपना ध्यान दीजिए। पानी खत्म हो जाएगा नहीं। Okay. Never have I ever pretended to be sick to get out of something. मैंने कभी ऐसी झूठा मूठा बहाना नहीं बनाया कि मैं बीमार हूँ ताकि मैं काम से बच जाऊँ या पढ़ाई से बच जाऊँ। पानी पीना पड़ेगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि आपने बहाना बनाया। अच्छा देखिए, एक प्रश्न के आप चार और प्रश्न नहीं पूछ सकती। थोड़ा तो बताइए ना। थोड़ा सा तो बताइए। क्या थोड़ा सा बताएंगे? कि आपने कब ऐसे छुट्टी मारी झूठ बोल के? एक हो तो बता। न जाने कितनी बार बोला है झूठ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेवर हैव आई एवर बंक्ड अ क्लास। मैंने आज तक कभी कोई क्लास बंक नहीं की। एवरी डे बंक की हुई है। पानी। स्कूल में कॉलेज में? स्कूल में नहीं, स्कूल तो बोर्डिंग स्कूल था तो वहाँ तो जा ही नहीं सकते थे, यूनिवर्सिटी में जब थे तब। ओके सर, फिर क्या करते थे आप क्लास बंक करके? जाते थे घूमते फिरते थे इधर उधर। इतनी कौन सी घूमने वाली जगहें थी जो आप रोज क्लास बंक मारते थे? अब क्या बताएं आपको मैडम, यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। ओके। ओहो पोल खुल गया हमारा। ओके रेडी नेक्स्ट। ये है लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी ठीक है। नेवर हैव आई एवर सैंग द सॉन्ग पिदली सी बातें ऑफ मूवी शमिताभ ऑन द सेट्स ऑफ केबीसी, शमिताभ मूवी का। हाँ जी पिदली सी बातें केबीसी के सेट पर कभी गाया है? गाया है या बहुत नहीं गाया? ही अकलमंदी वाला प्रश्न पूछा है, क्योंकि हम कहेंगे नहीं तो कहेंगे अब गाइए। मैडम मैं आपको बता दूं, बहुत ही गलत आदमी से आपका पाला पड़ा है। मैं अभी मार पड़ जाती मुझे। सर फिर गिफ्ट तो बनता है। अरे वाह, थैंक यू सो मच।
Thank you so much. Wow, it's such a kind of you. Thank you. तन्वी जी, पहला पड़ाव पार हो गया है और अब ये जो हमारे डीजे बाबू हैं ये देंगे आपको 60 सेकंड जवाब देने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए. ओके, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर. ये रहा, रक्तचाप रीडिंग में दो संख्याओं को क्या कहा जाता है? व्हाट आर द टू नंबर्स इन ब्लड प्रेशर यानी बीपी रीडिंग्स कॉल्ड? ए सिस्टेमिक डिस्टेमिक, बी सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सी सॉफ्ट डिफिकल्ट, डी शार्प डीप. सर, इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक. सिस्टोलिक होता है अपर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक होता है लोअर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर. तो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक. ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया है आपने, जीत गए आप 20,000 रुपए. ऑलराइट, अब आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर. 40,000 रुपए इसका मूल्य है. सातवां प्रश्न, डॉक्टर साहब आपके स्क्रीन के ऊपर. ये रहा, इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बोल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? Which of these countries won its first ever gold in lawn bowls at the 2022 Commonwealth Games? Option suniye: A. India, B. Malaysia, C. Wales, or is it D. New Zealand? Sir, वैसे हमें sports में बिल्कुल भी interest नहीं है. हमें S भी नहीं पता sports का, लेकिन इसका answer हमें पता है, because it was a very big achievement for India. हमारी जो विमेन टीम गई थी इंडिया की तरफ से, उन्होंने लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीता था. तो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंडिया. ए पर ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया है आपने मैम. होगा भारतीय टीम में लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयन मोनी साइकिया और रूपा रानी तिरके थे. उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहली बार, बिल्कुल सही कहा आपने, पहली बार विमेन्स फोर्स में एक ऐतिहासिक लॉन बोल्स गोल्ड जीता था. लॉन बोल्स में लॉन पर गेंद को रोल करके टारगेट के सबसे पास लाना होता है. ओके, अब आ रहा है आठवां प्रश्न. मूल्य है इसका 80,000 रुपए. रेडी? आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए. डॉक्टर साहिबा, ये रहा आपके स्क्रीन पर. इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा एक अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमा वाले राज्य से नहीं लगती है? Which of these Indian states does not share its border with a state that has an international land border? Options: A. Odisha, B. Madhya Pradesh, C. Bihar, D. Telangana. Sir, Odisha West Bengal के साथ share करता है और West Bengal Bangladesh के साथ share करता है. तो ये नहीं हो सकता. बिहार तो खुद ही इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है. बिहार उत्तर प्रदेश के साथ भी शेयर करता है और वो इन टर्न आई गेस नेपाल के साथ शेयर करता है, तो वो भी नहीं हो सकता. मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बीस सेकेंड रेट. मध्य प्रदेश शायद राजस्थान के साथ शेयर करता है, राजस्थान इन टर्न पाकिस्तान के साथ. तेलंगाना इज कंप्लीटली लैंडलॉक. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, तेलंगाना. डी पे ताला लगा जाए. इतनी देर कर दी आपने डॉक्टर साहिबा, देरी कर दी लेकिन दुरुस्त है आप. बिल्कुल सही जवाब है आपके. मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लगती है. उड़ीसा की सीमा वेस्ट बंगाल से, जैसा कि आप कह रहे थे. बिहार की सीमा वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश से लगती, तेलंगाना की नहीं लगती किसी से. ओके, आ गया है नवा प्रश्न. रेडी तन्वी जी? नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर. ये रहा,
इनमें से किस अभिनेत्री का वास्तविक पहला नाम आलिया है लेकिन स्क्रीन के लिए उनका पहला नाम कुछ और है? विच ऑफ दीज एक्टर्स हैज द रियल फर्स्ट नेम आलिया बट यूजेस अ डिफरेंट फर्स्ट नेम फॉर द स्क्रीन? ए कृति सेनन, बी अनन्य पांडे, सी कियारा अडवाणी, डी परिणीति चोपड़ा। पता नहीं फिल्मों वगैरह में आप शौक रखती हैं कि नहीं सर, मूवीज का शौक। इनमें से किस अभिनेत्री का वास्तविक पहला नाम आलिया है लेकिन स्क्रीन के लिए उनका पहला नाम कुछ और है? सर मुझे इस आंसर का कोई आइडिया नहीं है। ओके, क्या करेंगे सर? 50-50। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं। 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। दो बचे हैं कियारा अडवाणी, डी परिणीति चोपड़ा। एक सही एक गलत। सर सर देन आई विल गो विद ऑप्शन सी कियारा अडवाणी। सी कियारा अडवाणी पे ताला लगा जाए। बच गई आप। इज द राइट आंसर। कियारा अडवाणी का असली नाम आलिया अडवाणी है लेकिन आलिया भट्ट के पहले से ही एक एस्टेब्लिश्ड अभिनेत्री होने के कारण उन्हें स्क्रीन नेम कियारा रखने की सलाह दी गई। आप तो कह रही थी आपको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। सर मैंने परिणीति चोपड़ा का कभी नहीं सुना कि उनका फर्स्ट नेम आलिया हो। ओके ओके जी, तो मैंने बस आपके फेवरेट कौन कौन है? सर मुझे अक्षय कुमार पसंद है। और आपको उनका फैन होना भी चाहिए, बहुत सक्षम कलाकार है कि नहीं? सर अभी मैं आपका नाम लेती तो फिर आप बोलते देवी जी ये प्रश्न क्यों? मैंने आपसे कहा भी नहीं कि आप इसलिए मैंने जानबूझ के अक्षय कुमार का नाम। बहुत अच्छा किया आपने। सर फिर मैं आपकी फैन भी तो हूँ ना, उसका क्या करें? चुपचाप से पीछे जा करके बोल दीजिएगा यहाँ मैं। ऑलराइट डॉक्टर साहिबा, एक जरूरी सूचना अब आपको बतानी है हमने। आप पहुंच गई 9वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है वो 10वां प्रश्न है, खेल का दूसरा पड़ाव। देखिए इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा आप, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। ऑलराइट 10वां प्रश्न है, खेल का दूसरा पड़ाव। 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अरब जगत में नेताओं की उपाधियों में प्रचलित इनमें से किस शब्द का अर्थ बुजुर्ग आदमी होता है? प्रिवेलेंट और प्रेवलेंट इन द टाइटल्स ऑफ लीडर्स इन द अरब वर्ल्ड, विच ऑफ दीज वर्ड्स मीन्स एल्डरली मैन? ऑप्शन सुनिए, ए अमीर, बी शेख, सी सुल्तान, डी उस्ताद। सर आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन ए है। यू थिंक? शेख तो बड़े आदमी को बोलते हैं, सुल्तान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अमीर, बिकॉज जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते थे उन्हें अमीर बोला जाता था। प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है बुजुर्ग आदमी। जी जी सर आई विल गो विद ऑप्शन ए। फाइनल उत्तर आपका? जी ऑप्शन ए अमीर पे ताला लगाया जाए। इज द रॉन्ग आंसर जी। शेख इज द राइट आंसर। शेख, शेख एक उपाधि है जिसे हम अक्सर अरब नेताओं के नाम के साथ देखते हैं। इसका अर्थ है एक बुजुर्ग आदमी जिसे उसकी बुद्धि के कारण सम्मान दिया जाना चाहिए। वो एक परिवार या एक कबीले या एक जनजाति का नेतृत्व करता है, या जैसे कि यूएई के मामले में राष्ट्रपतियों का नेतृत्व करता है ना, वो होता है शेख। और आपके पास तन्वी जी एक लाइफलाइन बची हुई थी, उसका इस्तेमाल कर सकती थी आप,
बहरहाल आप जीत रही थी 1,60,000 रुपए और क्योंकि गलती हो गई है आप नीचे आ गई हैं 10,000 के ऊपर और ये 10,000 रुपए इनको ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाउ, 10,000 रुपीज कंफर्म किया और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बैड लक डॉक्टर तन्वी, कोई बात नहीं। ओके, एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर तन्वी खन्ना जी के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ऑल द बेस्ट यू, थैंक यू फॉर द गिफ्ट।